चलता है। अंधेरे में चलने वाला ये व्यवसाय इस शहर के गुंडों की जीवन रेखा है और इसको चलाने वाला है पेट्रोल। स्टूडेंट्स को आज आसानी से मिलने वाले अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, इन सब के सप्लायर यही लोग हैं और इनकी वजह से यह धंधा यहाँ पूरे जोर शोर से चलता है। पेट्रोल का पार्टनर है पीसी। पीसी का मतलब पुलिस कॉप नहीं, परफेक्ट कैचर। जाने दो। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में अपने पैर फैलाता जा रहा है एसिड बाबू, और इस एसिड बाबू का छोटा भाई है पेट्रोल। पेट्रोल के ये सारे काले कारनामे प्रेस और टीवी वाले एक्सपोज तो कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत और गवाह न होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही है और इनके कुकर्म बढ़ते जा रहे हैं। सुना है तेरा सीरियल डायरेक्टर तुझसे चिपक कर बात करता है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं किस तरह से? अरे नहीं, तू गलत सोच रहा है। आग अगर अपने आप लग जाए तो चलता है, पर लगाई जाए तो ऑफेंस, गुनाह। दूसरों की स्क्रिप्ट चोरी करके डायरेक्शन देना गलत होता है, बोल देना उसे। हॉस्पिटल चलते हैं। ये सब मेरे साथ होता रहता है। तुम ये बताओ, इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी परेशानी तुम्हें बताऊंगा तो तुम समझोगे नहीं। मैं यहाँ से जा रहा था, देखा तुम पे अटैक हो गया, इसलिए आ गया। मैंने पहले भी कहीं तुम्हें देखा है कहाँ? मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको, किस तरफ जा रहे हो? यशवंतपुरा। चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। बस इधर ही, इधर ही रोक दो। तुम उसके साथ रहते हो क्या? नमस्कार भाई। हाँ, कल अड्डे पे आकर मुझसे मिलना। किधर? ऑटो वाले से कहना एसिड बाबू, वो तुम्हें खुद लेकर आ जाएगा। बॉस,
सुबह सुबह तुमने डमी फोन करके 5 लाख का डील कर लिया और इस समय ये डॉन एसिड बाबू आपको खुद ड्रॉप करके गया। आपका स्कीम क्या है बॉस? अच्छा करने में टाइम लगता है लेकिन बुरा करने में टाइम नहीं लगता। आपको देखकर अब डर लगने लगा है बॉस। बैंक में बैलेंस होना चाहिए या फिर इस तरह के लोग होने चाहिए। एसिड बाबू के सामने मैंने सिंपल सा स्केच डाला और वो मेरी जेब में अटका। पैसा बनाना। हाई वोल्टेज वायर के नीचे कोई घर नहीं बनाना चाहता और तू तो हाई वोल्टेज वायर को साथ में रखने की बात कर रहा है। थोड़ा सोच लो बॉस। बैंगलोर को गोद लेकर पूरे बैंगलोर में पावर सप्लाई करूंगा। बहुत दिमाग खाता है। अरे मेरा फोन कहाँ गया? एक मिनट अपना फोन देना। ले। 9900 इडियट, दिखने में तो शरीफ दिखते हो और मोबाइल चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? थू, कमा कर खा नहीं सकते? ऑटो सर, आपने जो अड्डा पूछा था यही है। हेलो, होल्ड ऑन। अंदर कहाँ चल दिया रे? अंदर कोई सिनेमा का शो चल रहा है? बता कहाँ जा रहा है? तो जैसे हाफ टिकट वालों से बात करने की आदत नहीं है मुझे। रुकने को बोला ना। अगर ठीक से बोला तो खाना खाएगा, नहीं तो लात खाएगा। तूने अपना नाम नहीं बताया? पूछा ही नहीं। अब बता। मालिक। मतलब ईश्वर, गॉड, तेरे माँ बाप ने अच्छा नाम रखा है तेरा। मेरी मम्मी ने मेरा नाम राम रखा था। मुझे वनवास जाना पसंद नहीं था इसलिए मैंने अपना नाम खुद ही बदल दिया, मालिक रख लिया। बता, बुलाया तूने है? मेरे लिए काम करेगा तू? मुझे किसी के अंडर काम करने की आदत नहीं है, करूंगा भी नहीं। डील में 50-50 देगा क्या? पालतू कुत्ते सिर्फ भौंकते हैं, वो काटते कभी नहीं। अपना शिकार खुद करके नॉनवेज खाने वाले टाइगर को साथ में रख, काम आएगा। तेरे अंदर ये जो अहंकार है ना, याद रखना, किसी काम नहीं आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले को देखकर सामने वाले को ऐसा ही लगता है जैसा तुझे। तेरा ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझे खुशी हो रही है। यही एटीट्यूड तो अंडरवर्ल्ड में नंबर वन बनाता है। इसीलिए मैं 50-50 मांग रहा हूं। डन। हेलो।
मालिक, जरा मेरे साथ चलो। बस अकेले जाएंगे? मैं फोन करूंगा। 24 घंटे हम लोग इसके पास काम करते हैं और इसने आते ही धाक जमा लिया। तूने पूछा नहीं कि कहाँ जाना? जिसे अपनी जान प्यारी होती है वो पूछता है कहाँ और क्यों, मुझे नहीं है। मानना पड़ेगा तेरे जिगर को। बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड में हर गैंग को एक पक्का प्लान बनाकर देने वाला एक क्रिमिनल लॉयर है। उसका नाम है शिवाजी घोरपड़े। शहर के गुंडों के लिए एक तरह से वो गॉडफादर है। कितने ही केसेस को कोर्ट में जाने से पहले ही उसने सेटल कर दिया। उसको आने को बोला था ना? फोन किया उसने, आता ही होगा। अब क्या हुआ? मेरे दूसरे बेटे को छुड़वा दो ना सर। अरे कितनी बार तेरे बेटों को छुड़वाऊं मैं? कभी बड़ा अंदर रहता है तो कभी छोटा अंदर रहता है। दहेज के लिए कितनी बीवियां मारते जा रहे हो तुम लोग। रहने दो उसे अंदर, कम से कम लड़कियां बाहर चैन से तो रहेंगी। पैसा कितना भी लगे लगने दो सर। मुझे पैसों की क्या गर्मी दिखा रहा? फोन करूंगा तो तेरे बेटे को जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। जैसा बाप वैसे बेटे, सब एक जैसे। आप इस वक्त गुस्से में है, कोर्ट में आकर आपसे मिलता हूँ।